Welcome back. In this particular video, I am going to discuss about the concept and topic of chapter number 1, that is Python Pandas of Information Practice Grade 12. And it is part of unit number 1, that is Data Handling and Data Visualization. और ये इस चैप्टर वीडियो ट्यूटोरियल का लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 6 है। इसके प्रीवियस 5 वीडियोस में ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक सीरीज ऑब्जेक्ट एंड डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर लिया है। यदि आपने इन वीडियोस को मिस कर दिया है या आप इन्हें देखना चाहते हैं तो इसे आप मेरे चैनल टेक टिप नाउ में ऑलरेडी बनी हुई प्लेलिस्ट आईपी क्लास 12 ट्यूटोरियल 2021-22 में जाकर देख सकते हैं। और मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक आपके साथ ऊपर आई बटन पे भी शेयर कर रहा हूं, जहां से आप इसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी ऐड और मॉडिफाई कॉलम ऑफ ए डेटा फ्रेम एंड सिमिलरली हाउ कैन वी ऐड एंड मॉडिफाई रोज ऑफ ए डेटा फ्रेम। देन सिंगल सेल को भी यदि हम मॉडिफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। एंड देन वील डिस्कस कि किस तरह से हम किसी रो या कॉलम को डेटा फ्रेम के डिलीट कर सकते हैं, और उसी तरह से यदि हमें किसी रो या कॉलम की इंडेक्स को चेंज करना हो या उसके इंडेक्स को रीनेम करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज एंड कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चले सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी एड एंड मॉडिफाई कॉलम ऑफ आवर एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। वेल, इसके पहले कि मैं एडिशन करना किसी कॉलम का या किसी कॉलम को मॉडिफाई करने की बात करूं, हमने इसके प्रीवियस सेशन में देखा था कि यदि हमें किसी डेटा फ्रेम से किसी पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना हो, रिट्रीव करना हो, या उसकी वैल्यूज को यदि हमें रिट्रीव करना हो तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक ये है कि हम एटी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये एक सिंगल वैल्यू के लिए होता है और डॉट आईएटी जो है वो भी एक सिंगल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन यूज दिस एलओसी एंड डॉट आईएलओसी मेथड्स को। एंड इसके अलावा जब हम डेटा फ्रेम से किसी कॉलम को एक्सेस करते हैं तो वी राइट दिस डीएफ, और ब्रैकेट में जब हम कॉलम लेबल मेंशन करते हैं तो इन सारे ही तरीकों से जब हम किसी कॉलम की वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो इन्हीं मेथड्स का यूज करते हुए हम अपने डेटा फ्रेम में एग्जिस्टिंग कॉलम को या तो ऐड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। इन द सेंस यदि मैं बात करूं सबसे पहले मॉडिफाई करने की, सो द फर्स्ट वे यू कैन मॉडिफाई योर कॉलम ऑफ ए डेटा फ्रेम इज यू टेक दिस डेटा फ्रेम, देन यू पुट दिस ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर आप अपने कॉलम का लेबल मेंशन कर दीजिए। कॉलम लेबल मेंशन करने के बाद में आप जो भी वैल्यू यहां देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। इस वैल्यू को बेसिकली हम सीक्वेंस में लेते हैं तो इट वुड बी बेटर टू से दैट सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, तो मैं इसे चेंज करके लिख देता हूं। यहां पर एक बात है कि मैंने यहां मेंशन किया सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। यदि आप एक सिंगल वैल्यू यहां पे पास करते हैं तो जितनी भी रोज हमारे उस पर्टिकुलर कॉलम की होती हैं उन सब में वो सेम वैल्यू आ जाती है। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट स्केलर वैल्यू। तो आप चाहें तो स्केलर वैल्यू पास करें या सीक्वेंस ऑफ वैल्यू पास करें, सिंटेक्स आपका ये होना चाहिए। इसे हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप डीएफ के साथ एलओसी मेथड का इस्तेमाल करें, लाइक डॉट एलओसी। चूंकि हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो मेरा जो पहला इंडेक्सिंग होता है वो हमेशा रो के लिए होता है, तो उसे हम कोलन करके कॉमा लगाते हैं। एंड इसके बाद यहां पर जो भी आप कॉलम का लेबल देंगे, एंड इसके बाद इसे क्लोज करके यदि आप सिक्वेंस ऑफ वैल्यू या स्केलर वैल्यू पास करेंगे तो भी हम अपने कॉलम की वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आई एम राइटिंग दिस सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। एंड इसी पैटर्न पे आप चाहें तो df डॉट एटी मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल यही सिंटेक्स है इसका भी, तो मैं इसे भी लिख देता हूं। सो बेसिकली तो हमें यदि अपने कॉलम को मॉडिफाई करना है तो इन तीन तरीकों से कर सकते हैं। और यहां पर आपको मैं एक बात यह भी बता दूं कि यही सिंटेक्स हमारे न्यू कॉलम्स को एड करने के लिए भी यूज होते हैं। इन द सेंस सपोज दैट यदि आपने लिखा df, अगर जैसे मैं बात करूं यहां पे df, सपोज दैट यहां पर एक कॉलम आप मेंशन करते हैं m6 एंड इसके अलावा आपने यहां पे वैल्यू डाल दी 40। लेट सपोज हमारे डेटा फ्रेम में यदि m6 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तब तो उसकी वैल्यू मॉडिफाई हो जाएंगी। एंड इन केस यदि आपका ये m6 उस डेटा फ्रेम में नहीं है, इसका मतलब m6 के नाम से हमारा नया कॉलम फॉर्म हो जाएगा हमारे डेटा फ्रेम में और उसकी सारी वैल्यूज 40 हो जाएंगी। तो बोलने का मतलब ये है
कि सेम सिंटैक्स को यूज करते हुए आप मॉडिफाई या नया कॉलम को ऐड कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है तो मॉडिफाई हो जाएगा, कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारे डेटा फ्रेम में ऐड हो जाता है। इसके अलावा चूंकि हमने यहाँ पे कॉलम लेबल्स की बात की, हम चाहें तो df.iloc और इसके बाद में आप कोलन लगा के जो भी कॉलम नंबर है वो मेंशन करके भी हमारे डेटा फ्रेम की वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दैट कैन ऑल्सो बी वन वे, बट एक बात ध्यान रखेंगे कि df.iat का इस्तेमाल हम अपने कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से कौन से सिंटैक्स हम यूज कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम के कॉलम को ऐड या मॉडिफाई करने के लिए। चलिए इसे एक बार प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज माई पाइथन शेल, जहां पे मैंने स्क्रिप्ट मोड में ऑलरेडी ये एक कोड लिखा हुआ है डेटा फ्रेम क्रिएट करने का। मैं पहले इसे रन करता हूं। सो नाउ यू कैन सी इन योर स्क्रीन, मेरा ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है जिसमें ऑलरेडी मेरे पास चार कॉलम हैं M1 से लेकर M4 तक और चार रोज हैं Q1 से लेकर Q4 तक। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यदि हमें हमारे कॉलम्स को मॉडिफाई करना है तो हम, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, आप df लेंगे, df के साथ इसके सपोज ब्रैकेट में जाके किसी एक कॉलम का नाम लें, एंड इसके बाद यदि इसकी एक स्केलर वैल्यू, अगर मैं सिर्फ एक सिंगल वैल्यू पास करूं, एंड इसके बाद में यदि आप इसे रन करें, देन यू सी इट इज शोइंग यू M1 की सारी वैल्यूज जो है वो 34 हो चुकी हैं। एंड सपोज दैट अगर मैं लिखता df और इसके बाद इसके ब्रैकेट में जाके देता M1 और मुझे सारी ही रोज की वैल्यूज डिफरेंट लेनी है, तो मैं एक सीक्वेंस पास कर सकता था, जैसे कि मैंने यहां पर एक लिस्ट ले ली, एंड इसके बाद इन वैल्यूज को पास करने के बाद आप इसे एग्जीक्यूट कीजिए। देन इफ यू ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस df, यू कैन सी नाउ 23, 34, 54, 12 हमारी वैल्यूज हमारे डेटा फ्रेम हमारे कॉलम की, दैट इज M1 की, चेंज हो चुकी है। एंड इसी तरीके से सपोज यदि मुझे अपने इस कॉलम में नया कॉलम ऐड करना है M5, तो यदि आप लिखते हैं df और इसके ब्रैकेट में जाके आप लिखते हैं M5, एंड इसके बाद यदि इसमें एक स्केलर वैल्यू मैं पास करूं 56, एंड देन इफ यू रन दिस, यू कैन सी हमारा M5 यहां पे ऐड हो चुका है। एंड इसी तरह से आप चाहें तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज के साथ एक नया कॉलम ले सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे लेता हूं M6 एंड इसके बाद इसकी डिफरेंट वैल्यूज ले लूं लाइक दिस, सो अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करें, सो नाउ यू कैन सी मेरा M6 ऐड हो चुका है डिफरेंट वैल्यूज के साथ में। तो ये तो बात हुई कॉलम लेबल डेटा फ्रेम के साथ लेके आप कैसे ऐड और मॉडिफाई करते हैं। इसी तरह से यदि आप यहां पे .at मेथड का इस्तेमाल करें, कोलन लगाएं और उसके बाद कॉलम का लेबल दें, जैसे मैंने फिर से लिया यहां पर M2, एंड M2 लेने के बाद इसकी अगर एक सिंगल वैल्यू पास करें, एंड इसके बाद यदि आप इसे डिस्प्ले करें, सो दिस इज हाउ यू कैन सी M2 इज डिस्प्लेइंग, यहां पर M2 की सारी वैल्यू 56 हो चुकी। और इसी तरह से आप .at करके इसी कोलन कॉमा M2 की वैल्यूज को अगर आप डिफरेंट रखना चाहते हैं तो आप लिस्ट पास कर दीजिए, एंड व्हेन यू रन इट एंड डिस्प्ले इट, यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज कमिंग। सो दिस इज वन थिंग, एंड सिमिलरली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ .loc, सेम पैटर्न है, कॉलम लगाइए, कॉमा लगा के अपने कॉलम का नाम दीजिए, एंड इसके बाद अगर आप इसे इक्वल टू करके इनिशियलाइज करें 45, 54, 23, देन 12, एंड इसके बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करें, सो नाउ यू कैन सी M3 की वही वैल्यूज आ रही जो हमने यहाँ पे पास की। एंड सिमिलरली अगर आप नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कोलन लगाइए, कॉमा लगाइए, देन नए कॉलम का नाम दीजिए, सपोज मैंने दिया M7, एंड इसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्केलर वैल्यू पास करूँ, देन यू सी अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो मेरा M7 यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। और इसी तरह से डिफरेंट वैल्यूज के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि अगर मैं यहाँ पे df.at करूँ, एंड आप चाहें तो इसके साथ भी नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, मैंने लिया M8, एंड इसके बाद यदि आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज दे दीजिए, एंड जब आप इसे रन करके डिस्प्ले करेंगे तो आप देखिए M8 भी ऐड हो चुका है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये तो सारे लेबल्स की हमने बात की, आप चाहें तो इंडेक्स नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें लेना होगा ILOC। यदि मैं कोलन लगा के कॉमा लगाऊं और यहां पे देता हूं से इंडेक्स नंबर 2, दैट मींस माय थर्ड कॉलम, एंड जब आप इसमें एक वैल्यू पास करें 23 और इसे रन करके डिस्प्ले करें, तो यू कैन सी मेरा थर्ड कॉलम यहां पे जनरेट हो गया है नई वैल्यूज के साथ में, मॉडिफाई हो चुका है। सो M3 इज नाउ 23। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन वी ऐड एंड मॉडिफाई कॉलम इन आर एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं यदि हमें रोज को मॉडिफाई या ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे।
So now we are talking about adding and modifying rows. This is again very much same, like we can use two ways. One is df.at, दूसरा हम यूज करते हैं .loc, और तीसरा जैसे मैंने आपको बताया df.iloc. यहां पर at में चूंकि हमारा जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है कॉमा के पहले, दैट इज ऑलवेज ऑफ रो, तो आप यहां पर रो लेबल पास कर दीजिए, एंड इसके बाद जो भी आप वैल्यूज इसे देना चाहते हैं, चाहे स्केलर या सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, आप उसे पास कर दीजिए, हमारी रो की वैल्यूज मॉडिफाई हो जाएंगी. एंड सिमिलर वे पे आप एलओसी में भी पहले रो लेबल दे दीजिए, इसमें भी आप सीक्वेंस ऑफ वैल्यू को पास कर दीजिए, हमारी रोज मॉडिफाई हो जाएंगी. और कुछ इसी तरह से हम आईएलओसी ले सकते हैं, जहां पर आपको रो का इंडेक्स नंबर लेना होगा और उसके बाद इसमें वैल्यूज असाइन करनी होगी. तो इस तरह से आप चाहें तो हमारी रोज को ऐड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में. चलिए इन्हें भी हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. सो वी आर बैक इन आवर पाइथन शेल. यहां पे सेम उसी डेटा फ्रेम को हम लेके वर्क करते हैं. लेट सपोज अगर मैं यहां पे लिखता हूं df.at एंड मेरे रो का लेबल है से q4, तो यदि मैं यहां पे मेंशन करता हूं q4 एंड इसके बाद में मैं अगर यहां पे डाल दूं 45 एंड इसके बाद यदि आप df को एग्जीक्यूट करें, देन यू सी q4 की सारी ही वैल्यूज मेरी 45 हो चुकी. एंड सिमिलरली यदि आप लेते हैं df.at एंड इस दफा अगर मैं यहां पे डालता हूं q5 एंड इसकी वैल्यूज मैं सपोज ले लेता हूं से, एंड आफ्टर दिस इफ आई एग्जीक्यूट, ये देखिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और मेरी नई रोज दैट इज q5 इंक्लूड हो चुकी है. और इसी तरह से यदि आप चाहें तो एलओसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं इसे भी ले लेता हूं. यहां पर मैं डालता हूं q6 एंड इसके बाद मैं यहां पर डाल देता हूं 78. इसके बाद मैं इसे रन करूं, नाउ यू सी q6 मेरी ऐड हो चुकी है और इसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से आ रही है. और इसी तरह से आप अलग से वैल्यूज भी ले सकते हैं. और अगर आप लिखते हैं df.loc और इस दफा एग्जिस्टिंग कॉलम q1 लूं और इसकी वैल्यूज को मैं डाल देता हूं 40 एंड इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें तो q1 की वैल्यूज मेरी सेम हो चुकी हैं. एंड फाइनली मैंने बताया आप चाहें तो iloc भी ले सकते हैं. और इस बार अगर मैं 0 नंबर की रो लूं और इसे मैं यदि 60 से चेंज करना चाहूं और उसके बाद आप df को प्रिंट करें, तो देखिए ये 60 आ रहा है. और इसी तरह से आप डिफरेंट सिक्वेंस ले लीजिए, सिक्वेंस ऑफ वैल्यू भी पास कर सकते हैं. मैं उसे भी एक बार करके देख लेता हूं. Now my sequence of values is ready. So if I execute it and when I display it, now you can see iski values fir se change ho chuki. So this is how we can add and modify our rows. Now the next point, humne abhi dekha column aur row ko modify karna. Isi tarah se yadi aapko individual cell ko change karna hai, I mean kisi data frame ki ek single value ko change karna hai, to wo hum kaise kar sakte hain. So now we are talking about modifying single cell of data frame. So obviously for this we can use at, we can use iat, we can use loc and obviously .loc. In charo ka aap istemal kar sakte hain. And we all know that hume yahan pe at ke sath row label and column label mention karna hoga, obviously df.at laga ke, and isme jo bhi aap ek single value dalna chahte hain wo de dijiye. IAT जब आप यूज करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट IAT, इट शुड बी लाइक df.iat, देन रो नंबर एंड कॉलम नंबर. इसके बाद इसमें भी आप एक वैल्यू पास कर सकते हैं. एंड सिमिलरली जब आप LOC की बात करते हैं, दैट इज df.loc, एंड यहां पर भी सेम रो लेबल एंड कॉलम लेबल आपको लेना पड़ेगा. एंड इसमें भी आप एक सिंगल वैल्यू को पास कर दीजिए. एंड कुछ इसी तरह से हम .iloc का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई शुड राइट df.iloc एंड देन अगेन आई कैन जस्ट टेक रो नंबर एंड कॉलम नंबर. एंड इसके बाद में यहां पर रो नंबर या कॉलम नंबर बोलने का मतलब अगेन जो डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक सिंगल वैल्यू को आप ले सकते हैं. इन चारों के अलावा ऑब्वियसली हम जब कॉलम लेते हैं लाइक df.column लेबल, इसके बाद इसके ब्रैकेट में आप रो लेबल को पास कर दीजिए. एंड इसके बाद में आप इसमें जब अगर सिंगल वैल्यू पास करेंगे तो ये भी एक तरीका हो सकता है. सो देर आर 5 डिफरेंट वेज विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मॉडिफाई अ सिंगल सेल ऑफ अ डेटा फ्रेम. चलिए इसे भी प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज माई पाइथन शेल. अब चूंकि ऑलरेडी मैंने इतनी सारी वैल्यूज इसमें डाल दी हैं, अब मुझे सिंगल सेल अगर मॉडिफाई करना है, सबसे पहले आप लीजिए .iat एंड अगर मैं यहां पर डालता हूं 0,0 एंड इसके बाद यदि मैं डालता हूं 2,3,4,3 एंड इसके बाद यदि आप df को प्रिंट करें, तो आप देखिए यहां पे
फर्स्ट वैल्यू मेरी मॉडिफाई हो चुकी है. सिमिलरली इफ यू टेक से डॉट एटी एंड अगर मैं यहां पे लिखता हूं माई रो नंबर इज Q4 एंड माई कॉलम लेबल इज से M5 एंड इसके बाद इसकी वैल्यूज को मैं कर देता हूं 1000 एंड देन इफ यू एग्जीक्यूटेड यू कैन सी इट इज शोइंग यू 1000 एंड सिमिलरली आप LOC भी ले सकते हैं एंड सिमिलरली आप LOC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई टेक दिस LOC एंड दिस टाइम आई एम टेकिंग दिस से Q6 एंड कॉमा लगा के मैं ले लेता हूं M8 एंड इसके बाद अगर आप इसकी वैल्यू डालते हैं से 2000 एंड इसके बाद यदि आप इसे रन करें यू कैन सी नाउ इट इज शोइंग यू 2000 एंड ILOC को भी आप इसी तरह से ले सकते हैं. आई टेक दिस ILOC एंड इस दफा मैं यहां पे पास करता हूं 4,4 इट मींस फिफ्थ नंबर की रो और फिफ्थ नंबर का कॉलम इसकी वैल्यू को आप कर दीजिए 3000 एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे यू विल सी फिफ्थ नंबर रो एंड फिफ्थ नंबर कॉलम इज चेंज्ड. एंड इसी तरह से आप चाहें तो df डॉट माई कॉलम लेबल इज से फॉर एग्जाम्पल M6 एंड इसके बाद इसके अंदर आप जाके पास कर दीजिए रो लेबल दैट इज माई से Q3 एंड इसके बाद अगर मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ 4000 एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करें एंड इसके बाद यदि आप इसे डिस्प्ले करें तो आप देखिए इसकी भी वैल्यू चेंज हो चुकी है. तो इस तरह से हम ऑब्वियसली सिंगल सेल की वैल्यू को भी डिलीट कर सकते हैं. एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट डिलीटिंग अ पर्टिकुलर कॉलम और रो ऑफ ए डेटा फ्रेम. हम कैसे करते हैं चलिए इसे भी समझते हैं. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिलीटिंग रो और कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम. वेल इसके लिए हम यहां पे दो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं. एक होता है हमारा डेल और एक हम यूज कर सकते हैं ड्रॉप मेथड का. सो बेसिकली डेल इज नॉट ए मेथड इट्स वी कैन से इज अ काइंड ऑफ एट्रीब्यूट. इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं. बेसिकली डेल जो होता है दिस इज ओनली फॉर डिलीटिंग कॉलम्स एंड जब कॉलम डिलीट करते हैं सो वी टेक द हेल्प ऑफ ओनली कॉलम लेबल्स. एंड अगर मैं ड्रॉप की बात करूं तो ड्रॉप के साथ आप रो को और कॉलम को दोनों को ही डिलीट कर सकते हैं और इन दोनों स्थान पे आप आइदर लेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इंडेक्स नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बट हमारे पास यहां पर सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि यदि हमने हमारे से फॉर एग्जाम्पल डेटा फ्रेम में लेबल्स का इस्तेमाल किया है एज एन इंडेक्स वैल्यू सो वहां पर सिर्फ लेबल्स ही करेंगे. यदि आपने सपोज आपके डेटा फ्रेम की इंडेक्सिंग नंबर की हेल्प से की है तभी हम नंबर ले सकते हैं. इन द सेंस सपोज कोई हमारा डेटा फ्रेम है ABC और ये 0123 है एंड सपोज इसकी कुछ वैल्यूज हैं 4, 8, 9, 10, 12, 13 एंड सिमिलरली लेट सपोज वी हैव 6, 7 एंड 9 एंड अगर आप यहां पे ड्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यदि आपने यहां पे लेबलिंग की है तो सिर्फ आप लेबल ही यूज कर सकते हैं. अगर आप कॉलम नंबर से जीरो लेने की कोशिश करेंगे सो दिस विल नॉट बी अलाउड. हाँ अगर आप रो नंबर ले रहे हैं बिकॉज इट इज नंबर सो आप इसे ले सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ दिस ड्रॉप. जब भी हमें ड्रॉप या डेल को यूज करना है डेल यूज करने का तरीका यह है कि आप डेल लीजिए बिकॉज डेल के साथ हम सिर्फ कॉलम को डिलीट कर सकते हैं. तो हम यहां पे लिखेंगे df डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट उसके बाद इस ब्रैकेट में हम जाके ले लेंगे कॉलम का लेबल एंड दैट्स इट. आप इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए वो पर्टिकुलर कॉलम डिलीट हो जाएगा. सिमिलरली यदि आप लेते हैं ड्रॉप और ड्रॉप में जाके बाय डिफॉल्ट यदि आप लिखते हैं सपोज एक सीक्वेंस में फॉर्म में डाल के यदि आप यहां पर मेंशन करते हैं आइदर रो लेबल्स और यू कैन से रो नंबर्स. एक्चुअली मुझे ये बोलना चाहिए कि आप कोई भी लेबल या नंबर मेंशन करते हैं और बाय डिफॉल्ट इसके अलावा कोई आर्ग्यूमेंट आप पास नहीं करते हैं तो इस कोरेस्पॉन्डिंग लेबल या नंबर का जो रिलेटेड रो होता है वो एक्चुअली हमारे ड्रॉप्स के द्वारा डिलीट हो जाता है. लेकिन यदि आपको रो की जगह कॉलम को डिलीट करना हो तब हमें यहां पे मेंशन करना होता है ड्रॉप. हम लेते हैं लेबल या रो नंबर नंबर. इसके बाद कॉमा लगा के हम यहां पर एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं दैट इज योर एक्सिस और इस एक्सिस की वैल्यू हम दे देते हैं 1. इसके बाद में इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए एंड इसके बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी लेबल या नंबर आपने मेंशन किया है उसका रिलेटेड कॉलम डिलीट हो जाएगा. सो आई कैन से दिस इज फॉर कॉलम. तो चलिए इसे भी फाइनली हम एक बार प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके समझते हैं. सो वी आर बैक इन आर पाइथन शेल एंड लेट सपोज मुझे हमारे पहले M8 नाम के जो कॉलम को डिलीट करना है तो जैसे हमने बताया हम डेल ले सकते हैं. इसके बाद आप डेटा फ्रेम लीजिए और इसके ब्रैकेट में सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर आप डाल दीजिए M8 और इस ब्रैकेट को क्लोज करके एग्जीक्यूट करके यदि आप इसे डिस्प्ले करें लाइक df अगर मैं लूं तो आप देखिए कि यहां पर हमारा M8 डिलीट हो चुका है.
इसी तरह से यदि आप ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं और ड्रॉप के थ्रू अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, सो वी कैन सिंपली टेक दिस df डॉट ड्रॉप एंड इसके बाद आप ब्रैकेट लीजिए और इसके अंदर जाके आप मेंशन कीजिए, से फॉर एग्जांपल माई m7 एंड चूंकि दिस इज माई कॉलम तो मुझे यहां पे मेंशन करना होगा एक्सिस इक्वल टू 1 एंड इसके बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे सो नाउ यू कैन सी द m7 इट इज डिलीटेड और ये इसने तुरंत आपको एग्जीक्यूट करके आंसर दे दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप डेटा फ्रेम को शो करेंगे तो आप देखेंगे ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ड्रॉप का इस्तेमाल ज्यादातर हम तब कर सकते हैं जैसे कि आपको सिर्फ ड्रॉप किया और डिस्प्ले कर दिया फॉर द टेम्पररली। तो यदि मैं इसे df1 में सपोज स्टोर करना चाहूं देन आई कैन सिंपली टेक df डॉट देन आई टेक दिस ड्रॉप, इसके अंदर में मैंने जाके लिखा m7, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद मैंने यहां पे बोला एक्सिस इक्वल टू से 1 एंड इसके बाद इसे क्लोज करके रन कीजिए। एंड अगर आप df1 को देखें तो मेरा नया डेटा फ्रेम जो है वो अब m7 के बगैर जो कि ओरिजिनल से डिलीट हो चुका है उसके साथ रेडी हो चुका है। इसी तरह से df डॉट यदि आप ड्रॉप लें और आपको कोई रो डिलीट करनी है तो यू कैन सिंपली टेक इट्स लेबल बट इट शुड बी इनसाइड द लिस्ट। अब सपोज मैंने यहां पे लिया q1 एंड इसके बाद आप इसे रन कीजिए तो देखिए हमारी q1 वाली रो डिलीट हो चुकी है। बट दोनों दफा जब मैंने कॉलम डिलीट किया या रो डिलीट किया तो सिंगल ही कॉलम लेबल को मेंशन किया। आप चाहें तो यहां पर df डॉट ड्रॉप लीजिए, इसके बाद आप यदि इसके इस लिस्ट में दो रो नंबर्स पास करते हैं लाइक आई टेक q2 देन कॉमा q3 देन यू विल सी जब आप इसे एग्जीक्यूट करें q2 और q3 दोनों ही रोज डिलीट हो चुकी हैं। बट अगेन अगर आप इसे डिस्प्ले करेंगे तो सारी ही रोज दिखेंगे बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये टेम्पररी डिलीट करके आपको वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा है, आप इसे दूसरे में स्टोर कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये तो हुआ लेबल्स को यूज करने के साथ। सपोज दैट अगर मैं यहां पे लिखता हूं df डॉट ड्रॉप और इसके अंदर मैं एक नंबर पास करने की कोशिश करूं 0 तो आप देखेंगे ये आपको अलाउ नहीं करता बिकॉज इसमें लेबल्स हैं। लेट सपोज यदि मैं कोई एक डेटा फ्रेम रेडी करूं वैल्यूज के साथ में और डिफॉल्ट इंडेक्सिंग उसकी कर दूं देन हम कैसे वर्क करते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन ये मैंने एक डेटा फ्रेम रेडी किया है ऑब्वियसली विद डिफॉल्ट इंडेक्सिंग। तो अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं df डॉट ड्रॉप एंड यहां पर अब अगर मैं यहां पे इंडेक्स नंबर लूं 0 एंड इसे यदि मैं डिस्प्ले करूं देन यू सी माय रो इज डिलीटेड फर्स्ट रो इज डिलीटेड एंड अगर मैं दोबारा df प्रिंट करूं तो पूरी रोज आ रही है। इसी तरह से यदि मैं लिखता हूं df डॉट ड्रॉप और यदि यहां पर मैं लेता हूं रेंज मेथड और मैं यहां पे लिखता हूं कि आप फर्स्ट 3 रोज को डिलीट कीजिए, सो इफ आई टेक दिस रेंज 3 एंड इसके बाद यदि मैं इसे एग्जीक्यूट करूं देन यू सी फर्स्ट 3 रोज को इसने डिलीट किया, लास्ट रो हमारी सिर्फ बची हुई है। सो 0 नंबर 1 नंबर 2 नंबर्स की रोज को इसने डिलीट कर दिया है। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड किस तरह से हम हमारे डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम को हम क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सबसेट को एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रो को अलग से हम ऑपरेट कर सकते हैं, कॉलम्स को हम अलग से मैनेज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी जस्ट डिस्कस्ड। तो पहले हम MCQs देखते हैं एंड उसके बाद में कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो आप जरूर प्रैक्टिस करें। बट उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि मैंने इस चैप्टर का सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरे चैनल में डाला हुआ है और ये सॉल्यूशन बेसिकली मैंने सुमिता अरोड़ा टेक्स्ट बुक्स की बेसिस पे लिया है, जिसे आप चाहें तो मेरे चैनल में सुमिता अरोड़ा टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन IP क्लास 12 के नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी मैंने इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द MCQs फर्स्ट। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग डेटा, नल, NaN और नन और ऑल द अबव। सो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल द अबव, क्योंकि ये सारे ही क्या होते हैं हमारे मिसिंग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एडिंग न्यू कॉलम सेल इन द डेटा फ्रेम EMP। मीन्स अगर हमारे डेटा फ्रेम EMP में हमें नया कॉलम ऐड करना है तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। सबसे पहली चीज अभी हमने डिस्कस भी किया कि अगर मेरे कॉलम का नाम है EMP.cell तो ये सही हो सकता है, .loc ये भी हम ले सकते हैं, employee equal to EMP.assign that we can also take and one more is given that EMP.add colon लगा के SAL, so ये मेरा बिल्कुल सही है। असाइन भी हमारे पास एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम नए कॉलम को ऐड कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। LOC अगेन वी नो दैट कि इसका भी इस्तेमाल बिल्कुल AT के जैसे हम कर सकते हैं।
जहां तक बात है इम्प्लाई डॉट सेल की, सो दिस विल नॉट वर्क बिकॉज यदि हमें इस तरह से कॉलम लेबल इस्तेमाल करना है तो वी कैन टेक दिस डेटा फ्रेम देन ब्रैकेट के अंदर इफ वी राइट एस ए एल एंड इसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यू डालता से 200, 300 तो ये सही होता. तो इसका मतलब दिस इज रॉन्ग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू व्हेन वैल्यूज आर असाइन टू कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम फॉर नॉन एग्जिस्टिंग कॉलम्स इट विल एड ए न्यू कॉलम. इन द सेंस किसी डेटा फ्रेम में यदि हम किसी कॉलम को असाइन करें और वो अगर वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली वो एड हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही है. इन आई एल ओ सी लाइक स्लाइसिस एंड इंडेक्स पोजिशन इज एक्सक्लूडेड वेन गिवन एज स्टार्ट एंड. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. जब आप आई एल ओ सी यूज करते हैं डेटा फ्रेम की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए तो जो उसमें स्टार्ट और एंड पोजिशन आप देते हैं, मीन्स जो इसमें एंड पोजिशन देते हैं, वो हमेशा क्या होती है, एक्सक्लूडेड होती है. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. व्हाइल क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम फ्रॉम टू डी डिक्शनरीज कीज ऑफ ऑल इनर डिक्शनरीज मस्ट बी द सेम इन नंबर ऑफ द नेम. सो दैट इज अगेन करेक्ट. एंड ऑप्शन नंबर डी सेइंग दैट बाय डिफॉल्ट इन ड्रॉप फंक्शन ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑफ एक्सिस इज वन ऑलवेज, विच इज नॉट करेक्ट बिकॉज जब आप ड्रॉप यूज करते हैं तो बेसिकली ये रो को डिलीट करता है और जब रो को डिलीट करता है तो उसकी एक्सिस की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होती है, जीरो होती है. इसका मतलब ये कि यदि आप वन ले रहे हैं तो ये कॉलम को डिलीट करेगा. इसका मतलब अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको अलग से मेंशन करना होता है एक्सिस इक्वल टू वन ड्रॉप में. इसलिए ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत है यहाँ पे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट फॉर गिवन डेटा फ्रेम, दिस इज माई डेटा फ्रेम, यदि मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूं df ब्रैकेट में a इक्वल टू 40 और इसे अगर मैं प्रिंट करूं तो क्या आएगा. वेल, हम यहां पर पास कर रहे हैं एक स्केलर वैल्यू और a मेरी ऑलरेडी यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है. सो क्या होगा कि जब ये एग्जीक्यूट करेंगे आप तो दिस विल डेफिनेटली डिस्प्ले यू दिस ऑप्शन दैट इज 040, 140, 240 एंड 340. दिस विल नॉट बी हैपेंड बिकॉज ट्रू फॉल्स ये तब होता जब आप यहां पे लिखते df ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, और ये भी होगा नहीं क्योंकि यहां पे मल्टीपल वैल्यूज हैं और एज इट इज सेम कॉलम को तो ये डिस्प्ले करेगा नहीं क्योंकि हम यहां पे 40 को इसमें असाइन कर रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स. एज यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग दैट राइट ए प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए डेटा फ्रेम. तो एक प्रोग्राम बनाना है, आप कोई भी एक डेटा फ्रेम रेडी कीजिए, उसके बाद इंडिविजुअली उसमें कितनी रोज है कितने कॉलम्स है ये आपको फाइंड आउट करना है. आप इसे दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं, शेप मेथड यूज करके और बिना शेप मेथड यूज करके भी आप इसे ट्राई करें. सेकंड क्वेश्चन है कि आपके पास एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है, स्टोर ऑपरेशन मेंटेनेंस ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, अलग अलग डेजिग्नेशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं. बेसिस ऑन दिस राइट ए प्रोग्राम टू एड ए न्यू कॉलम अकाउंट, इसमें आपको एक नया कॉलम अकाउंट एड करना है विद डिफरेंट वैल्यूज फॉर ऑल दीज रोज. राइट ए प्रोग्राम टू चेंज नंबर ऑफ प्यून्स टू 10 फॉर जनरेशन, ये जो प्यून है जनरेशन में इसे आपको 2 की जगह 10 करना है. राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 3 रोज विदाउट यूजिंग हेड मेथड, शुरू की 3 रोज आपको डिस्प्ले करनी है बिना हेड के और आपको ये लास्ट रो को डिलीट करने के लिए प्रोग्राम लिखना है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स, मतलब सिर्फ आपको इंजीनियर को काउंट करना है इस टेबल में. और इसी तरह से इट इज सेइंग दैट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट, मतलब सिर्फ इसका टोटल आपको निकालना है. राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स ओनली. आई थिंक ये मेरा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो इस क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहां से कट कर देते हैं, या इस क्वेश्चन को हम करते हैं चेंज और यहां पे इंजीनियर्स की जगह इसे ड्राइवर कर देते हैं. देन यू कैन ट्राई इट. सो ओवरऑल ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए ये सारे कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद में, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी आपने सीखा है उसमें क्या एरर्स आ रहे हैं, कहाँ पे आपने गलती की है, वो जानने में आपको हेल्प मिलती है. तो फाइनली हमारा आज का सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं. और इन टोटल 6 डिफरेंट वीडियोज में हमने देखा चैप्टर नंबर 1 दैट इज पाइथन पांडास, जो कि हमारे यूनिट नंबर 1 डेटा हैंडलिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन का पहला पार्ट था. एंड आई होप कि ये सारे वीडियोज आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे लर्न करने में, सीखने में पाइथन पांडास को. तो चलिए उसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं. मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल. बाय बाय एंड टेक केयर.